नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी हमारा मार्केट का ब्रॉडर व्यू क्या दे रहा है, सेंसेक्स, निफ्टी जूनियर, बैंक निफ्टी और जो यूएस डॉलर वर्सेस INR, बिटकॉइंस, क्रूड ऑयल, गोल्ड, तो इन सारे एसेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स है जिसे हम ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट को कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी की बात करें तो देखिए निफ्टी अभी साइडवेज मूवमेंटम में है। थोड़ा सा यहाँ पर शार्प करेक्शन आया, लेकिन ये करेक्शन को हम डाउनफॉल मतलब निफ्टी में जो है डाउन ट्रेंड आ चुका है, ये कब मानेंगे, जब ये अपने इस सपोर्ट रीजन को ब्रेक करेगा। तो ये सपोर्ट रीजन क्या है, देखिए हाँ हम सपोर्ट रीजन को खींचते हैं। ये जो लाइन है ये सपोर्ट रीजन है, ऊपर का लाइन और नीचे का लाइन, ये रीजन हमारा बनता है 17,250 से 17,600। ये जो रीजन होगा ये रीजन एक सपोर्ट रीजन होगा और वहीं से निफ्टी देखिए यहाँ पर सपोर्ट लेकर के वापस गया, 17,605 पर आया और यहाँ से सपोर्ट लेकर के निफ्टी ऊपर जा चुका है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है साइडवेज मोमेंटम दिखा है, साइडवेज मोमेंटम करने के बाद या तो ऊपर की ओर लेवल को ब्रेक करेगा या तो नीचे, अगर नीचे ब्रेक करेगा, ये सपोर्ट रीजन ब्रेक हो जाता है जब 17,250 तो फिर हम पूरी तरह से बेरिश हो जाएंगे। और जब तक यहाँ पर निफ्टी साइडवेज है तो देखिए निफ्टी हमारा एक बेंचमार्क इंडेक्स है जिससे हम मार्केट की डायरेक्शन को तय करते हैं। अगर निफ्टी बुलिश है तो सारे के सारे स्टॉक लगभग आपको बुलिश दिखेंगे, जो भी सेक्टर लीडर स्टॉक है। लेकिन निफ्टी अगर साइडवेज है तो यहाँ पर जो स्टॉक्स मतलब जिस कंपनी के रिजल्ट काफी बेहतर आएंगे उसमें आपको तेजी देखने मिलेगा, या जो स्टॉक्स काफी अच्छा करने वाले हैं आगे चल करके जो कंपनी, उसमें आपको जबरदस्त मोमेंटम देखने मिलेगा। तो यहाँ पर आपको स्टॉक स्पेसिफिक हो जाना है, जो कंपनी काफी बेहतर कर रही है उस कंपनी के शेयर को आप बाय करके चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें, कभी भी आपको किसी से उधार लेकर लोन लेकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ किसी से कर्ज भी नहीं लेना है। मतलब आपके पास जो भी सेविंग है जिसका यूज आपको रिसेंट टाइम में मतलब आने वाले कुछ समय में नहीं पड़ने वाला है, वैसे ही अमाउंट को इन्वेस्ट कीजिए, तब आप यहाँ पर एकदम श्योर रूप से सिक्योर रूप से पैसे के साथ रिटर्न बना सकते हैं। उसके बाद अगला है सेंसेक्स। देखिए सेंसेक्स काफी बेहतरीन, अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पर जो सेंसेक्स का सपोर्ट रीजन है वो सेम निफ्टी की तरह है। अगर हम इसका सपोर्ट रीजन की बात करें तो यहाँ देखिए ये भी सेम वहाँ निफ्टी की तरह यहाँ पर सपोर्ट रीजन अपना बना रखा है। तो जब भी ये भी सेंसेक्स भी अपना सपोर्ट रीजन जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक हम इसमें बेयरिश नहीं होंगे। तो ये सपोर्ट रीजन है, इस रीजन को ब्रेक करके जैसे नीचे आता है तो हम सेंसेक्स में भी एक डाउनफॉल की उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल सेंसेक्स भी यहाँ पर साइडवेज है, साइडवेज होने के बाद यहाँ पर जिस और के लेवल को ब्रेक करेगा, ऊपर के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम बुलिश हो जाएंगे, नीचे के ब्रेक करेगा तो बेयरिश हो जाएंगे। अब देखिए सेंसेक्स के बाद है निफ्टी जूनियर, तो निफ्टी जूनियर भी यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट रीजन इसका यहाँ पर जो है सपोर्ट रीजन के पास आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया और यह वापस चला गया। तो यहाँ पर देखिए बड़ा बड़ा रिजेक्शन कैंडल मतलब नीचे से ये सपोर्ट वाला जो रिजेक्शन कैंडल है यहाँ से देखने मिला, बड़ा बड़ा वीक्स है, तो ये वीक्स दिखा रहा है कि ये सपोर्ट रीजन है। ऐसे भी अगर हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, इस ट्रेंड लाइन पर यहाँ पर सपोर्ट बनता था और यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद जो निफ्टी जूनियर है जिसको हम निफ्टी नेक्स्ट 50 कहते हैं यहाँ से ऊपर की ओर जा चुका है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये भी साइड हो सकता है क्योंकि ऊपर जो रेसिस्टेंस रीजन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कि 43,650। तो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन और ये ऊपर का जो रीजन है 43,650 इसके बीच जब तक रहेगा तो हम निफ्टी नेक्स्ट 50 को भी साइडवेज मोमेंटम में मानेंगे। उसके बाद आते हैं हम ग्लोबल मार्केट पर। देखिए ग्लोबल मार्केट में डॉ जोन्स को हम मुख्य रूप से फॉलो करते हैं, तो डॉ जोन्स यहाँ पर लगातार काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जो कि हम लगातार वीडियो में चर्चा भी किए हैं। डॉ जोन्स काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है अपने ऑल टाइम हाई पर और यहाँ पर जबरदस्त यहाँ पर ब्रेकआउट भी दिया अपने ऑल टाइम हाई पर, जबकि हमारा निफ्टी में एक शार्प करेक्शन आया उसके बाद एक बाउंस बैक थोड़ा सा देखने मिला है। तो क्या हम ग्लोबल मार्केट जिसको हम मुख्य रूप से डॉ जोन्स के यहाँ पर फॉलो करें, क्या हम डॉ जोन्स को फॉलो कर सकते हैं, क्या निफ्टी में एक बार फिर से तेजी आ सकती है, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि निफ्टी किस तरह से बिहेव करता है, मतलब हमारा जो मार्केट है वो किस तरह से बिहेव करता है। तो अभी डॉ जोन्स में कोई भी फिलहाल मतलब वीकनेस देखने नहीं मिला है और हमारा मार्केट भी अभी वीक नहीं है, फिर थोड़ा सा एक शार्प करेक्शन देखने मिला, तो ये सपोर्ट रीजन होगा डॉ जोन्स का। जब तक हम इस रीजन को ब्रेक करके नीचे नहीं आ जाते हैं जो कि है 35,620 तब तक हम इसमें वीकनेस नहीं मानेंगे। तो जब तक डॉ जोन्स इसके ऊपर है तब तक काफी स्ट्रॉन्ग है, मार्केट पूरी तरह से बुलिश है,
तो ग्लोबल मार्केट को हम अभी बुलिश मान करके चल रहे हैं, जो कि हमारा इंडेक्स है डॉ जोन्स को देखते हुए। उसके बाद अगला है यूएस डॉलर और INR। तो जो यहाँ पर यूएस डॉलर है वो लगातार वीक होता हुआ देखने मिल रहा है। यहाँ पर देखिए रुपया लगातार स्ट्रांग हो रहा है, मतलब एक डॉलर का जो कीमत है वो 74 रुपीज हो चुका है, जबकि पहले एक डॉलर की कीमत 75 रुपीज था। मतलब एक रुपीज से रुपया स्ट्रांग हुआ है। तो जैसे यूएस डॉलर और रुपया का जो ग्राफ है नीचे आता है तो डॉलर वीक हो रहा है, रुपया स्ट्रांग हो रहा है। अब देखिए एक डॉलर में आपको जितना कम रुपया मिले तो रुपया समझिए उतना ही स्ट्रांग हो रहा है और डॉलर वीक हो रहा है। तो यहाँ पर डॉलर लगातार वीक होता हुआ देखने मिल रहा है। तो जो कंपनियों को डॉलर के वीक होने से प्रॉफिट हो रहा है उस कंपनी में आपको ज्यादा तेजी देखने मिल सकता है। उसके बाद अगला है बिटकॉइन। देखिए बिटकॉइन अगर चार्ट की बात करें तो यहाँ पर लगातार जो बिटकॉइन साइडवेज मोमेंटम में दिख रहा है, तो ये बिटकॉइन का जो है वो रेसिस्टेंस रीजन है जो कि है 47 लाख। तो 47,90,000 या क्या 48 लाख जो है ये रेसिस्टेंस रीजन है, जबकि नीचे इसका ये सपोर्ट रीजन है 43 लाख। तो 43 लाख इसका सपोर्ट रीजन है, उसका 48 जो है ऊपर वो रेसिस्टेंस रीजन है। तो अभी बिटकॉइन जो है पूरी तरह से साइडवेज है, जैसे किसी भी रीजन को ब्रेक करता है ऊपर के रीजन को तो बिटकॉइन पूरी तरह से बुलिश हो जाएगा, नीचे को ब्रेक करता है तो बेरिश हो जाएंगे। फिर अगला है गोल्ड। तो देखिए गोल्ड भी काफी जबरदस्त ये चार्ट पैटर्न को फॉलो कर रहा था, जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो पहले ही हमने यहाँ गिरावट में बाय करने बोला था। तो गोल्ड में कोई भी गिरावट बाय है, देखिए लॉन्ग टर्म में गोल्ड काफी बेहतरीन होता है अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखते हैं। लॉन्ग टर्म में हमेशा ऊपर ही जाना है और थोड़ा ये स्लो एंड स्टडी प्रोसेस से होता है गोल्ड का ऊपर और नीचे जाना। तो देखिए गोल्ड जब भी नीचे आए आप इसको बाय कर सकते हैं। तो इसका जो 45,000 होगा वो सपोर्ट रीजन है, इसके आसपास जब भी आए बाय कीजिए। ऐसे भी गोल्ड गिरावट में बाय किया जाता है और जब गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे हो तो वहां पर आप इसको सेल कर सकते हैं। तो गोल्ड भी अपनी अभी ऑल टाइम हाई के करीब ही है, तो गोल्ड भी काफी स्ट्रांग होते जा रहा है, चार्ट पे भी काफी स्ट्रांग दिख रहा है। अब बात करते हैं क्रूड ऑयल का। तो देखिए क्रूड ऑयल यहाँ पर लगातार इसमें गिरावट देखने मिला, लेकिन गिरावट के बाद यहाँ पर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना है जो कि दिखाता है कि यहाँ पर इसका सपोर्ट रीजन है। तो यहाँ पर जो होगा मतलब 6,000 के नीचे जब तक ये क्लोजिंग नहीं दे देता है तब तक हम क्रूड ऑयल को वीक नहीं मानेंगे। तो क्रूड ऑयल भी चार्ट पे यहाँ काफी स्ट्रांग है। अब देखिए बात करें निफ्टी बैंक का, तो देखिए निफ्टी बैंक काफी मतलब यहाँ पे स्ट्रांग था, लेकिन जो निफ्टी में गिरावट था, निफ्टी में गिरावट के साथ बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में भी गिरावट देखने मिला, जहां पर बैंक निफ्टी में भी गिरावट हुआ, लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग है निफ्टी के कंपेरिजन में। लेकिन यहाँ पर जो लगातार 3 दिन गिरावट हुआ वो काफी बैंक निफ्टी को नीचे ला चुका है। तो यहाँ पर जब तक ये 40,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर जाता है तब तक आप इसमें बुलिश नहीं हो सकते हैं। देखिए चार्ट पे काफी स्ट्रांग है अभी भी बैंक निफ्टी, लेकिन जब तक ये 40,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर जाता है तब तक इसमें कोई आपको खास मोमेंटम होता हुआ दिखाई नहीं देगा। उसके बाद आता है निफ्टी मिड कैप। देखिए निफ्टी मिड कैप में भी काफी जबरदस्त यहाँ पर रिकवरी देखने मिला है, ये भी चार्ट पे अभी काफी सॉलिड है, चार्ट इसका भी वीक नहीं हुआ है, लेकिन गिरावट काफी जबरदस्त था। तो गिरावट के बाद अच्छा खासा यहाँ पर रिकवरी होता हुआ देखने मिल रहा है। फिर आता है निफ्टी स्मॉल कैप। तो निफ्टी स्मॉल कैप काफी वीक है यहाँ पर दिख रहा है चार्ट पे, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो इसका हाई है वो है 5,885, वहां से काफी बड़ी गिरावट हुआ, इसमें लगभग 5,140 के आसपास आ चुका था, वहां जबकि रिकवरी काफी कम हुआ है। देखिए रिकवरी जब 50% से ज्यादा हो तो हम मानते हैं कि चार्ट में काफी स्ट्रांगनेस है, लेकिन यहाँ पर रिकवरी काफी कम है जबकि गिरावट काफी ज्यादा था, उसके कंपेरिजन में रिकवरी काफी कम हुआ है। तो जो स्मॉल कैप स्टॉक्स है उसमें काफी वीकनेस अभी आपको देखने में सकता है, लेकिन जो फंडामेंटली सॉलिड स्टॉक्स है उसको आप बाय करते हैं गिरावट में। उसके बाद अलग अलग इंडेक्स की बात करें तो IT सेक्टर अभी साइडवेज है, तो यहाँ पर देख सकते हैं साइडवेज मोमेंटम में है। उसके बाद अगला है कंज्यूमर सेक्टर, ये काफी वीक है। उसके बाद अगला है FMCG सेक्टर, ये तो काफी वीक है क्योंकि HUL में काफी गिरावट हुआ है। उसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये भी वीक है। उसके बाद सर्विस सेक्टर, ये थोड़ा सा स्ट्रांग है, तो सर्विस सेक्टर में आप खरीदारी कर सकते हैं जो फंडामेंटली सॉलिड स्टॉक्स है। उसके बाद जो हम आते हैं वो है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर काफी वीक है, देखिए यहाँ पर पूरी तरह से ये साइडवेज है और साइडवेज में भी ये अपने सपोर्ट लेवल के आसपास है, इसमें कोई खास रिकवरी मार्केट के साथ देखने नहीं मिला है, तो फार्मा काफी वीक है। उसके बाद फाइनेंस सेक्टर, ये तो काफी स्ट्रांग है, फाइनेंस सेक्टर में कोई खास गिरावट नहीं हुआ है, तो फाइनेंस सेक्टर के जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है फंडामेंटली उसको आप बाय करते हैं गिरावट में। उसके बाद ऑटो सेक्टर में काफी जबरदस्त रूप से यहाँ पर स्ट्रांगनेस दिखाया है, वो है खास करके टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में काफी पॉजिटिव न्यूज है जिसके कारण
टाटा मोटर्स में जबरदस्त रैली देखने हुआ है, तो यहाँ पर ऑटो सेक्टर भी काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। उसके बाद अगला है मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर अभी साइडवेज है, मेटल सेक्टर में थोड़ा सा अवॉइड कीजिए हायर लेवल पर बाय करने में, क्योंकि मेटल सेक्टर जो है एक साइक्लिक सेक्टर है, तो अभी मेटल सेक्टर के स्टॉक्स को बाय करना सही नहीं होगा, क्योंकि मेटल सेक्टर काफी मूव कर चुका है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। मेटल सेक्टर में जब बड़ी गिरावट आती है फिर रिवर्सल आता है तब बाय करते हैं। उसके बाद एनर्जी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर काफी स्ट्रांग है। देखिए एनर्जी सेक्टर में यहाँ पर गिरावट तो हुआ लेकिन रिकवरी नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा यहाँ देखना होगा। जैसे ये मोमेंटम यहाँ से दिखाता है, जैसे ये मतलब 23,765 के ऊपर चलता है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं एनर्जी सेक्टर में। फिर मीडिया सेक्टर काफी स्ट्रांग है, जी इंटरटेनमेंट की न्यूज का और न्यूज 18 के न्यूज के कारण, तो मीडिया सेक्टर काफी स्ट्रांग है। फिर इंफ्रा सेक्टर भी काफी स्ट्रांग दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर जो फाइनेंस सेक्टर हो गया, इंफ्रा सेक्टर हो गया, मीडिया सेक्टर, ये सब काफी स्ट्रांग है अभी। उसके बाद चलते हैं तो रियलिटी सेक्टर। रियलिटी सेक्टर तो और भी काफी जबरदस्त रूप से यहाँ स्ट्रांगनेस दिखाया। रियलिटी सेक्टर अपने ऑल टाइम हाई पे आसपास है, गिरावट मार्केट के साथ हुआ लेकिन रिकवरी तो उससे भी काफी तेज हुआ। उसके बाद है कमोडिटी सेक्टर, ये भी काफी स्ट्रांग है, तो कमोडिटी से रिलेटेड स्टॉक्स आप बाय कर सकते हैं। फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ये भी मतलब यहाँ पर रिकवरी नहीं दिखा पाया है, तो इसमें भी थोड़ा बहुत वीकनेस बना हुआ है। उसके बाद अगला है पीएसयू बैंक। पीएसयू बैंक काफी जबरदस्त रूप से यहाँ पर स्ट्रांग दिख रहा है, मतलब ये इंडेक्स है, इंडेक्स में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है आप उस स्टॉक को लेकर के चल सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हुए। ये था आज का मार्केट का ब्रॉडर व्यू, कौन सा इंडेक्स क्या कर रहा है, ग्लोबल मार्केट हमारा डाउ जोन्स के अनुसार कैसा दिख रहा है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा उसे ज्वाइन कर लें।